बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। नायब कैबिनेट की पहली बैठक, अब से थोड़ी ही देर में ये पहली मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस बैठक में, इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है, कई मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर 17 अक्टूबर को जिस तरह से बड़े से कार्यक्रम में चुने, उसके बाद अब पहली बैठक उनकी कैबिनेट की आज सबसे थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। और माना जा रहा है ताबड़तोड़ कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले, कई मुद्दों पर चर्चा इस पहली ही कैबिनेट बैठक में संभव है। तो कुल मिलाकर अब फिलहाल एक बार फिर से जो कमान बीजेपी को, नायब सिंह सैनी को यहाँ हरियाणा के लोगों ने सौंपी है, एक बार फिर से सत्ता पर जब उठाया है, अब लोगों की भलाई के लिए जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हुए, महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए, तमाम परियोजनाओं को लेकर, अब जाहिर तौर पर एक बार फिर से विकास के पथ पर हरियाणा को, पूरे प्रदेश को, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने के मकसद के साथ तेजी के साथ अब काम में जुटा जाएगा। और इसी कड़ी में पहली कैबिनेट मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, नज़रें भी बनी हुई है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनको अब आगे लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, तमाम बड़े बड़े जो वादे किए गए हैं, जो हरियाणा के लोगों को सपने दिखाए गए हैं, अब जाहिर तौर पर ये दायित्व बनता है तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए यहाँ पर। और नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो विश्वास, जो भरोसा उनके चेहरे पर लोगों ने जताया, बीजेपी के ऊपर लोगों ने जताया, अब उसको पे बैक करने का जो टाइम है, अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने का जो समय है, और उसके लिए अब से बस थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी कैबिनेट की, जो शुरू होने वाली है। शिखा शर्मा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। शिखा, कितनी देर में मीटिंग की शुरुआत होने वाली है, कौन कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा की संभावना? देखिए, सीएम और विधायक जो है वो सचिवालय में जो है पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बात करें मुद्दों को लेकर, तो आज सबसे बड़ी बात की कि जो प्रोमिनेंट स्पीकर जो है वो चुने जाएंगे, जो सारे विधायकों को शपथ जो है दिलाएंगे, स्पीकर के नाम पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ जो विधानसभा सभा का सत्र शुरू होना है उसको लेकर डेट जो है वो आज फिक्स की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे जनता से, किस तरह से उनका एक कार्य रोड मैप बनाया जाएगा, किस तरह से 100 दिन का कार्यकाल रहेगा, सारे विधायकों को ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि जो 100 दिन का कार्यकाल है उसमें किस तरह से काम करना है, और उसके बाद जनता के बीच में वो 100 दिन का रोड मैप लेके सरकार जो है वो जाएगी। साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं उनको डिपार्टमेंट जो है वो आज सौंपे जाएंगे कि तक उनको पता लग जाए कि किस कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मिल रहा है। और जो वादे किए गए हैं उन सब में से सबसे पहले किस वादे से शुरुआत करनी है अपने कार्यकाल को लेकर, इन सबको लेकर बैठक जो है होने वाली है। ओवरऑल जो फोकस रहेगा आज कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग के अंदर वो इसी पर रहेगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय सौंपा जाए। जी बिल्कुल, देखिए कौन से मंत्री, कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा, उन्हें शपथ कब लानी है, सेशन कब होना है, यानी ये 3-4 मुद्दे जो हैं आज कहीं ना कहीं मेन रहने वाले, और एक रोड मैप जो है वो तैयार आज जो है वो किया जाएगा। कौन कौन पहुंच चुका है, किसका इंतजार है, कितनी देर में तकरीबन ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? शिखा, देखिए सीएम जो है वो लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पहुंच गए थे, किरण चौधरी जो है वो यहाँ पहुंच गई है, श्रुति चौधरी जो है वो यहाँ पहुंच गई, देवेंद्र कल्याण पहुंच गए हैं, हरविंदर कल्याण यहाँ पहुंच गए हैं, और ऐसे बहुत से जो विधायक है वो अंदर भी सीएम के साथ बैठक में चर्चा कर, उनके ऑफिस में चर्चा कर रहे हैं कुछ ही देर में। बाकी विधायक जो है लगभग 5 से 10 मिनट में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में शिखा देखिए, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपे जाए ताकि तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाया जा सके, रोड मैप आगे का तैयार किया जा सके और उसके बाद फिर उसे इंप्लीमेंट भी किया जा सके, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ये काम जो था वो कल रात ही हो जाता, पर कल एनडीए की जो मीटिंग चल रही थी चंडीगढ़ में वो काफी लेट तक हो गई थी, जहाँ से निकलते निकलते काफी लेट हो गया था, उसके बाद इसके चलते कहीं ना कहीं ये काम जो है वो आज के लिए पोस्टपोन कर देगा कि जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सारे मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट जो है वो सौंप दिए जाएंगे। और अब जैसे ही मीटिंग शुरू होगी सबसे पहले मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट जो है सौंपे जाएंगे, उसके बाद प्रोमिनेंट स्पीकर जो है उनको चुना जाएगा, और सबसे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मंत्रिमंडल की तस्वीर स्पष्ट होने के बाद विभागों की भी तस्वीर स्पष्ट
स्पष्ट हो गई है किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। उम्मीद यही कि हरियाणा में भी आज ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शिका, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका।